नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकुर फिजिक्स एंड मैथ्स में। हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी क्लास 12th की। आज हम लेकर के आए क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं इक्वेशन क्या होती है। देखो बेटा, एक चीज देखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये इक्वेशन तब तक नहीं बनता है जब तक कि इसके इक्वल में कुछ ना लिखा हो, जब तक कि इसमें कोई इक्वल ना लगा हो तब तक कि ये इक्वेशन नहीं बनता है, तब तक कि ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं कहा जाता। आज का टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा, हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो ऑल इक्वेशंस हैविंग फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस है क्या, द इक्वेशंस वो समीकरण है, द इक्वेशंस विच हैव हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज टू, ऐसी समीकरण है, वो समीकरण है जिसमें जो चर है उस चर की घात अधिकतम घात दो हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये एक प्रकार की द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये एक प्रकार का द्विघात समीकरण है। बच्चे, आज हम लोगों को इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है। बेटा, होता क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक चीज होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको बेटा क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, मीन्स एक्स हैविंग पावर वन। यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। तो इस लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर टू हो, सो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बातें समझ में आ रही हैं, नोट करेंगे बेटा, देखेंगे ध्यान से। हाँ बच्चे, हमें जानना रहता है सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी रहेगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एक एग्जांपल लेके बताता हूं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक एक्सप्रेशन हमको ये दिया हुआ है और ये हमसे कह रहा है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, एक्स इंटू टू टू एक्स, मीन्स एक्स इंटू थ्री प्लस टू प्लस टू थ्री जा सिक्स इज इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म का एक इक्वेशन निकल के आ रहा है। बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो भाई साफ साफ जाहिर है, साफ साफ दिख रहा है कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है। और अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू है तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। बात बेटा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। फिर से एक चीज और देखते हैं। बेटा, जब हमने जान लिया कि इस टाइप के जो इक्वेशंस होती हैं वो
इस टाइप की जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है बच्चे। तो अब इसके बाद में एक बात आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बात आती है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा होता क्या है, एक चीज मैं बता दूं आपको, है क्या किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन में वेरिएबल की उतनी वैल्यूज होती हैं, मींस उसके उतने रूट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मींस इस इक्वेशन के पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 वैल्यूज होंगी। एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। देखेंगे ध्यान से। अब एक चीज बच्चे देखते हैं, हम वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे चीजों को क्लियर करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। आइए बच्चे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल में ले लिया 4x² - 2x - 6 = 0। है क्या जब हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ रहा है हमारा, -24x². क्या हो रहा है, -24x². बेटा अब हमें इसके दो ऐसे फैक्टर्स कर रहे हैं कि जब सम निकालें तो हमारा -2x आ जाए और प्रोडक्ट निकालें तो क्या आ जाए, -24x² आ जाए। कुछ नहीं करना, बस छोटी सी छोटा सा काम करना है, 24, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देखते हैं बच्चे, 3 2 6 and 2 2 4, 4 and 6। बेटा 4 और 6 की अगर हम बात करें तो 4 6 24, 6 - 4 = 2। तो मीन्स हमारा 2 भी आ रहा है, सम पे हमारा 2 आ रहा है और प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। आइए कर लेते हैं धीरे से, 4x² - 6x + 4x - 6 = 0। बेटा यहां से कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, तो देखो 4 6 कॉमन लेते हैं, 2x, भाई सभी को दिख रहा होगा जिनको आंखों की समस्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 2x थे, 1x कॉमन ले लिया हमने, यहां क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, 2 2 4 2x - 3 + 2 कॉमन आ रहा है, x - 3 = 0। बेटा एक चीज और दिख रही है, यहां पर 2x - 3 है, सॉरी, और यहां पर भी 2x - 3 है। बेटा इस 2x - 3 को हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बच रहा है, 2x + 2 = 0। अब बेटा एक बार इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 2x - 3 = 0, मीन्स 2x = 3, मीन्स x = 3/2। फिर से एक बार इसको ट्रांसपोज करते हैं तो क्या बच रहा है, 2x + 2 = 0, मीन्स 2x = -2, मीन्स x = -1। एम आई राइट बेटा, देखो x की दो वैल्यू जा रही हैं। बेटा करना क्या है, हमें जब सॉल्व करना है इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमने बताया था भाई, देखो जिसके पास जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उसके पास उतनी ही वैल्यूज होंगी, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 मीन्स उसके कितने 2 रूट्स आएंगे, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई भाई, इसको देखेंगे ध्यान से, है ना, नोट करेंगे। हाँ बच्चे, बच्चे हमारे पास ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इन दो प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो वही काम, सीधे से इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, कराएंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 5, और ये √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 = 10 आ रहा है, 5 2 = 10x² मीन्स 10x². बेटा इस 7x को हमें दो जगह ऐसे तोड़ देना है कि इनका सम क्या आ जाए, 7x आ जाए और प्रोडक्ट क्या आ जाए, 10x² आ जाए। आइए तोड़ देते हैं धीरे से, तो क्या हो जाएगा, √2x² + सीधे से 5x + 2x + √2 = 0। देखो बेटा 5 2 7 हो रहा है और 5 2 = 10x² हो रहा है।
तो क्या हो रहा है, यहां से बेटा रूट टू कॉमन मिल रहा है हमें और x कॉमन मिल रहा है, सॉरी यहां से हमें रूट टू कॉमन नहीं मिलेगा, x कॉमन मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, रूट टू एक्स प्लस फाइव प्लस, बेटा यहां से हमें रूट टू कॉमन मिल रहा है, ये रूट टू है ये टू है, रूट टू कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। मीन्स देखो बेटा इसके पास भी रूट टू एक्स प्लस फाइव है, यहां पर भी रूट टू एक्स प्लस फाइव है, मीन्स ये क्या कॉमन हो गई। तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, रूट टू एक्स, रूट टू एक्स प्लस फाइव हमने बाहर निकाल लिया, यहां क्या बच रहा है एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। बेटा एक बार इसको रोकेंगे, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, मीन्स रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय रूट टू। ऐसे ही बेटा इसको भी देखेंगे एक बार, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू। देखो बेटा ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक ये एक ये, ध्यान से देखेंगे, ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो भाई इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। सभी की समझ में आया होगा। अब बेटा क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना, तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब हमें इस माइनस 8x के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि सम इनका माइनस 8x आ जाए और इनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 16x स्क्वायर आ जाए। देखते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो 4 है 16 है x है x स्क्वायर है, कॉमन आ रहा है 4x, यहां क्या बच रहा है बेटा 4x माइनस 1। फिर यहां पे बेटा देखो क्या कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आ रहा है यहां पे, तो यहां क्या बच रहा है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे देखो बेटा क्या हो रहा है, 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, तो क्या हो रहा है 4x माइनस 1, यहां क्या बच रहा है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो इस देर से बन रहा है 4x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मीन्स है क्या, अगर हम धीरे से यहां पे देखें तो यहां भी हमें समझ में आ रहा है 4x का होल ऑफ स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू एक्स, मीन्स ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसको डायरेक्ट भी कंपेयर करके हम लिख सकते थे, लेकिन हमें इसका फैक्टराइज करना था, इसको फैक्टराइज किया। यहां से अगर हम 4x माइनस 1 करेंगे और इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 बाई 4 आ जाएगा। ये बेटा हमारी जो है x की वैल्यूज आ गई, क्या x के पास कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं 1 बाई 4, दोनों बार 1 बाई 4 लाई करेगा। बेटा एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूं मैं, ये बेटा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365। कह रहा है कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या है, जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है भाई, तो आओ इसको बेटा सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फर्स्ट नंबर बेटा एक्स है एंड सेकेंड नंबर एक्स प्लस 1 है। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, इसके स्क्वायर्स का सम, तो पहले नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रहा है 365 दे रहा है। बेटा दोनों का स्क्वायर धीरे से ओपन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक बेटा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 इससे माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है माइनस 364 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर हम 2 अगर कॉमन ले लें तो यहां क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 180
2 इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 कॉमन ले लिया धीरे से। अब बेटा एक काम करना है, काम ये करना है कि हमें इस x के दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि उनका सम x हो जाए और उनका प्रोडक्ट 182x2 हो जाए, -182x2 हो जाए। आओ देखते हैं बेटा, हमने लिख दिया x2 प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो क्या हो गया, ये 14x है, ये 13x है, ठीक है। तो 14 और -13 को अगर हम सम करेंगे तो क्या आ रहा है, प्लस का x आ रहा है, और अगर इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, इनको इनका प्रोडक्ट अगर हम निकाल देंगे तो -182x2 आ रहा है। देखो जिसकी समझ में आ रहा है ठीक है, जिसकी नहीं समझ में आ रहा है वो इसको फैक्टराइज कर लेगा, वही फैक्टर मेथड से आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है हमारा, सबको पता है क्या है, सबको दिख रहा है भाई धीरे धीरे। तो x कॉमन आ रहा है यहां पे, क्या बच रहा है, x प्लस 14 बच रहा है, माइनस यहां पे 13 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है, x प्लस 14 बच रहा है इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर भी x प्लस 14 है, यहां पर भी x प्लस 14 है, x प्लस 14 को हमने कॉमन कर लिया, यहां क्या बच रहा है, x बच रहा है, माइनस में 13 बच रहा है, इज इक्वल टू 0 हो रहा है। बेटा एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू माइनस 14 आ रहा है, और एक बार x इज इक्वल टू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 13 आ रहा है। तो x के हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक बेटा। तो अगर हम x को माइनस 14 कंसिडर कर लें तो x इज इक्वल टू माइनस 14, देन x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा हमारा माइनस 14 प्लस 1 मीन्स माइनस में 13। तो अगर हम x बराबर माइनस 14 कंसिडर करते हैं तो हमारा x प्लस 1 सेकेंड नंबर हमारा आ रहा है माइनस 13, और बाय द वे अगर हम x इज इक्वल टू 13 कंसिडर करते हैं तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 मीन्स क्या आ रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 14, मीन्स सेकेंड इंटीजर हमारा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। एक चीज देखने योग्य है कि देखो बेटा माइनस 13 और माइनस 14 भी ले सकते हैं और 13 और 14 भी ले सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर बात है तो पॉजिटिव इंटीजर हमारे यही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये दो हमारे नंबर्स आ गए, देखेंगे ध्यान से। अब बच्चे हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड अदर साइड्स। बेटा कह रहा है इसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, किस छोटा है, किससे, बेस से, इसके आधार से, इसका जो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो बाय द वे हम मान लेते हैं, लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो बेटा अगर बेस हमारा x हो जाएगा तो हमारा अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ये x सेंटीमीटर तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, और बेटा ये हमें दिया हुआ है, इसका हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। बेटा अगर हमको ये दिया हुआ है, बेस हमारे पास है, हमारे पास अल्टीट्यूड है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो बस सीधी सी बात है हम पाइथागोरस साहब को याद कर लेंगे, पाइथागोरस बाबा की प्रमेय लगा देंगे। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय हो। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, एम आई राइट, आई एम ऑलवेज राइट। तो देखो बेटा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 2 ए इंटू बी 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो 7 टू जा 14 एक्स इज इक्वल टू
13 स्क्वायर मीन्स 169, ठीक है भाई। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू जीरो। बेटा एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो यहां क्या बच रहा है, यहां पे ध्यान से देखेंगे हमारा क्या बचेगा, माइनस 120, क्या बच रहा है, माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो। बेटा यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो। अब बेटा एक चीज देखनी है हमें, इसको सॉल्व करना है। अब माइनस 7x के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि अगर उनको उनका सम हम निकाल दें तो माइनस 7x आ जाए और प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाए, माइनस 60x स्क्वायर आ जाए। और धीरे से जल्दी से कर लेते हैं, तो माइनस 12x प्लस 5x, तो बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ रहा है, x कॉमन लिया तो x माइनस में 12 प्लस यहां पे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो एक चीज देखेंगे, ये x माइनस 12 यहां भी आ रहा है, x माइनस 12 यहां भी आ रहा है, जल्दी से कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच रहा है, x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। जब x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू 12, और जब x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो तो x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक बेटा। हमें लेंथ ऑफ बेस निकालनी थी, तो ये क्या था, हमने बेस को मान लिया था, क्या बेस हमारा क्या था, x सेंटीमीटर, तो ये क्या आ रहा है, 12 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये जो इसका हमारा जो अल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर लेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो एक हमारा 12 आ रहा है, एक हमारा 5 आ रहा है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंस जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है भाई, देखेंगे ध्यान से। अब बच्चे देखते हैं, नई प्रॉब्लम है, अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व, ये देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक विशेष किसी एक दिन ये देखा गया कि दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वॉज ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produces on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find number of articles and cost of each. कह रहा है एक cottage industry में क्या था, कुछ articles daily बनाए जाते थे, एक दिन का observe, एक दिन observe किया गया कि जो है जो cost of production था वो उस दिन बनाए गए number of articles का आर्टिकल्स के दोगुने से 3 ज्यादा थी, एक कॉस्ट, एक आर्टिकल का कॉस्ट, ठीक है, बात मेरी समझ पा रहे हैं। ये कह रहा है कि जो एक दिन किसी प्रोडक्शन को ऑब्जर्व किया गया उसमें क्या था, किसी एक आर्टिकल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी, एक आर्टिकल को बनाने की जो लागत थी, वो कुल वस्तुओं की संख्या के दोगुने से 3 ज्यादा थी। कहने का मतलब क्या है, अगर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया उस दिन एक्स आर्टिकल्स बनाई गई थी, तो देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या था, ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का कॉस्ट रहा होगा बेटा, कह रहा है इसके ट्वाइस, इसका ट्वाइस मतलब दोगुना मीन्स 2x से 3 ज्यादा, 2x प्लस 3 मतलब हर कॉस्ट का, हर आर्टिकल का कॉस्ट 2x प्लस 3 था।
हमने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे बाय द वे हमें 15 टॉफियां खरीदनी है, एक टॉफी का कीमत 1 रुपया है, ठीक है, तो 15 टॉफी हम कैसे खरीदेंगे, इसको धीरे से गुणा कर देते थे, क्या हो जाता था, 15 रुपए का 15 टॉफी, हम पापा से बोलते थे भाई मैं 15 टॉफी लेनी, 15 रुपए दे दीजिए, ठीक है भाई, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस छोटे बचपन वाली बातें हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है और एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x+3 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, तो 2x+3 × x = क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है कितना भाई, 90 रुपीज, भाई सभी की समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 = 0। बेटा हमको धीरे से इसको सॉल्व कर लेना है, हमें 3x को ऐसे फैक्टराइज करना है कि इनका उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -180x² आ जाए और सम क्या आ जाए, 3x आ जाए, देखते हैं। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² यहां पे कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे हमारा कॉमन आ जाएगा x, यहां क्या बच जाएगा 2x + 15, ठीक बेटा, माइनस यहां पे हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 6 × 2 = 12 2x प्लस में माइनस प्लस 15 × 6 = 90, ठीक क्या हो जाएगा 15 = 0। बट यहां पे 2x + 15 दोनों तरफ आ रहा है, 2x + 15 हमारा कॉमन हो रहा है, यहां क्या बच रहा है x - 6 = 0, मीन्स 2x + 15 = 0 मीन्स x = -15/2, ये क्या हो जाएगा x - 6/0 x = 6। देखो x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, अब इसमें क्या बेटा, x हमने क्या माना था, टोटल आर्टिकल्स, तो बेटा आर्टिकल्स क्या हो जाएगा भाई, देखो x = 6 आ रहा है, हम इसी को लेंगे, ये क्या रहा है x = -15/2, देखो भाई आधी अधूरी वस्तुएं तो नहीं बनाएगा भाई, पूरे बर्तन बनाएगा, ये तोलताड़ के बर्तन तो नहीं बनाएगा कि आधा बर्तन बना दिया आधा घर में बना लेना, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो भाई देखेंगे इसको।